के दिग्गज अदाकारा और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का आज 72वां जन्मदिन है। वह 4 दशक से भी लंबी वक्त से अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 1970 के दशक में जब हेमा और धर्मेंद्र को प्यार हुआ, उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे। जब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की, तब उन्होंने कहा था कि शादी किसी को दुख नहीं देती। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजें जो आपको नहीं मालूम होगी हेमा और धर्मेंद्र के बारे में। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात फिल्म तुम हसीन मैं जवां के सेट पर हुई थी। बाद में इस जोड़ी ने 40 से ज्यादा फिल्मों में साथ काम किया। जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हुआ था, तब वो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी हेमा मालिनी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी में हेमा मालिनी ने खुलासा किया कि अपने समय के 2 सुपरस्टार जितेंद्र और संजीव कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन वो धर्मेंद्र थे जिन्होंने हेमा मालिनी का दिल जीता। हेमा मालिनी ने डेक्कन क्रॉनिकल को एक इंटरव्यू में कहा, जिस पल मैंने धर्मेंद्र जी को देखा, मैं जान गई थी कि वो मेरे लिए बने हैं। मैं उनके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। मैं ये भी चाहती थी कि इस शादी से उन्हें कोई नुकसान ना हो। उनकी पहली बीवी और बच्चों ने उनके जीवन में मेरे हस्तक्षेप को कभी भी महसूस नहीं किया। मैंने उनसे शादी की, लेकिन मैंने उन्हें उनके परिवार से कभी दूर नहीं किया। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में हेमा मालिनी से शादी करने के लिए दोनों ने पहले अपने धर्म को परिवर्तित किया। धर्म परिवर्तन के वक्त हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा भी रखा और धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान कर लिया था। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बड़े बेटे और अभिनेता सनी देओल से सिर्फ 8 साल बड़ी है। नव भारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋतु त्रिपाठी, नव भारत मीडिया।